ये चैनल जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मंथली $93,000 पर मंथ कमाते हैं ऐसी वीडियोस अपलोड करके। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप ऐसी वीडियोस बना सकते हैं, वो भी AI की मदद से, फ्रॉम विजुअल्स, स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइस ओवर, सब कुछ हम AI की मदद से करेंगे, वो भी फ्री में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, चैनल ब्रांडिंग। स्टेप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं ChatGPT पर, और यहाँ पर लिखेंगे suggest me some scary name। जैसे हम ये सेंड कर देंगे ChatGPT, हमें बहुत सारे scary name और चैनल के नेम्स के आइडियाज़ दे देंगे, जो कि हमारे scary short videos हैं, तो उसके लिए हमें scary channel name चाहिए, जो कि Draven Darkling। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने वो कॉपी करके हमने यहाँ पर नोटपैड पर पेस्ट कर देना है। वहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर चैनल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम लिखेंगे write unique and interesting channel description। वो सेंड करने के बाद हमें यहाँ पर चैनल का नाम भी लिख लेना है। उसके बाद हमें इसे सेव एंड सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे लिए चैनल डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ये देखें ये कितना सही है, ये देखें इन्होंने सारा चैनल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। उसके बाद हम इसे कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देंगे चैनल पर। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 2, राइट वीडियो स्क्रिप्ट। वीडियो स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम ChatGPT पर आ जाएंगे। राइट अ डार्क मोटिवेशन स्क्रिप्ट, इट शुड बी डीप एंड डार्क, शुड हैव अ रियल मीनिंग टू लाइफ। तो हम ये लिख लेंगे। यहाँ पर हमने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम इसे सेंड कर देंगे। ये देखें जैसे ये हो जाएगा, ये जैसे लिख ले, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने रीजनरेट किया है। उसके बाद जैसे रीजनरेट करेंगे, ये देखें इन्होंने ये लिख लिया है। ओके, ये कितना सही है, अमेजिंग। ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पिछले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। पिछले वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो ये बहुत ही सही है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमें इमेजेस भी जनरेट करनी है, इनकी रिलेटेड इमेजेस और जैसे ये प्रॉम्प्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरीज इन डार्क रेड थीम। जैसे हम ये लिख लेंगे, हम इसे सेंड कर देंगे, और जैसे ही सेंड करने के बाद ये हमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स के आइडियाज़ दे देंगे इमेजेस जनरेट करने के लिए। हम इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद पेस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, स्टेप नंबर 3, जनरेट वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये हम 11 लैब्स पर आएंगे। इस वेबसाइट का नाम 11 लैब्स है। तो उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस हैं, आपको इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने मैथ्यू की वॉइस सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पर ये V1 कर लेंगे, 11 V1 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वॉइस सेटिंग्स हैं, आप अगर चाहें अपने हिसाब से सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगी जैसी पहले थी, तो हमने डिफ़ॉल्ट ही रहने देने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे टेक्स्ट वाले, यहाँ पर बॉक्स होगा, आपको यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट करना होगा। तो आप पूरा भी एक साथ कर सकते हैं, पर मैं बारी बारी करूँगी, बिकॉज मुझे इसे एडिटिंग करने में मसला होगा, तो तभी बारी बारी। तो हम यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। जैसे ये जनरेट होती है, मैं आपको सुनाती हूँ इसकी वॉइस। Life, they say, is a journey filled with pain, despair, and the haunting echoes of our mistakes. Yet, in this shadowy abyss, we find the fragments of our existence, the shattered pieces of who we once were. तो ये वॉइस जनरेट करने के बाद हम यहाँ पर साइड वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं इसे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वाला कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट वाला ये कॉपी कर लेते हैं, और ऐसे हम सारे यही स्टेप्स रिपीट करेंगे इस पर भी। ऐसे ही करके सारे जितने भी हमारे पास होंगी नॉट्स स्क्रब वगैरह, हम सिमिलर करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पर आ जाते हैं, जनरेट इमेजेस। इमेजेस जनरेट करने के लिए हम Leonardo.AI पर आ जाएंगे। यहाँ पर इमेज जनरेशन पर आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेना है नंबर ऑफ इमेजेस पर, और यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन सेलेक्ट कर लिया है 2.1। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप साइड बटन पर आते हैं, साइड बार पर, यहाँ पर आपको फॉर्मेट साइज भी सिलेक्ट कर लेना है।
तो मैंने 9:11 किया, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया और जनरेट पर क्लिक करके इसे जनरेट कर लेंगे। जैसे ये जनरेट होने में आए, देखें जैसे ये जनरेट हो, मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे जनरेट हो जाए ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो हम इसे क्या करेंगे, इसके यहाँ पर लिख देंगे जो हमने प्रॉम्प्ट पेस्ट किया उसके आगे हम लिख देंगे इन रेड डार्क इन एनिमे स्टाइल। हम यहाँ पर लिख देंगे इन एनिमे स्टाइल इसे रेड डार्क थीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इन एनिमे स्टाइल इन रेड डार्क थीम इन डार्क रेड थीम लिख देंगे और इसे जनरेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम जनरेट पर क्लिक करते हैं ये जनरेट हो जाएगा और हमें क्या करना है, वहीं प्रॉम्प्ट के आगे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, वो टेक्स्ट रहने देना जो हमने लिखा था, बिकॉज हमें इस थीम में सही चाहिए। ये देखिए कितना सही एनिमे स्टाइल में कितना अच्छा वो किया है इन्होंने, जनरेट किया है। और ये देखें यहाँ पर ये भी नेक्स्ट पिक्चर भी उसी थीम में जनरेट की है। उसके बाद हम सिमिलर स्टेप सारे के सारे रिपीट करेंगे, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करके जनरेट कर देंगे। ये देखें उसके जैसे ये जनरेट हो जाए हमें ऐसे ही सारे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके जनरेट कर लेना है। ये देखें इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट करके जनरेट कर लेंगे। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये जनरेट हो जाए ये वाली सेकंड लास्ट इमेज है हम इसे कर देते हैं, ये सेकंड लास्ट नहीं थर्ड है, तो ये हो गई है जनरेट। जैसे ये जनरेट हो जाए हम इन्हें डाउनलोड भी कर लेंगे, वो भी जैसे सारी एक साथ ही हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें ये जनरेट हो गई और ये कितनी खूबसूरत लग रही है, अमेजिंग। उसके बाद ये वाला कॉपी करके हमें ये जनरेट कर लेना है। मैंने आपको सारा प्रोसेस इसलिए दिखाया था ताकि आपको सही से समझ आ जाए। हमने ये पेस्ट कर लिया है, ओके ये लास्ट वन है, इसे कॉपी कर लेंगे। ये देखें कितनी अमेजिंग स्टाइल से इन्होंने जनरेट किया है। अगर आपको किसी और कलर स्टाइल या किसी और थीम में चाहिए आप वो लिख सकते हैं, रेड पिंक एनीथिंग, आप ब्लू स्टाइल में भी कर सकते हैं, बट रेड डार्क और डीप वाली मोटिवेशन वाइब देता है रेड कलर। तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 पर आ जाते हैं, एडिट वीडियो एंड प्रीव्यू। तो एडिट वीडियो करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, पहले हम वॉइस ओवर एडिट ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ओके ये बहुत सही लग रहा है, ऐसे हम यहाँ पर कट कर देंगे, ओके जैसे ये जनरेट हो जाए ये देखें। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर देंगे। बैकग्राउंड म्यूज़िक हमने ऐड कर दिया ये वाला, और इसे थोड़ा कम कर देंगे, ओके इसकी वॉइस थोड़ा कम कर दी ताकि थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में आए। तो जैसे ये एडिट किया है हमने क्या कर, हमने ये बैकग्राउंड म्यूजिक पिक्चर है और मिक्सचर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक, मैंने ये वहीं से डाउनलोड किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इमेजेस ऐड कर देंगे और यहाँ पर फॉर्मेट स्टाइल भी सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हम साथ साथ ये करेंगे, ये एनिमेशंस भी ऐड करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक साथ सारी इमेजेस ऐड करके उसके बाद ही एनिमेशन लगाएंगे। तो पहले हम सारी इमेजेस ऐड कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, साथ में एनिमेशन भी देख लेते हैं, ओके सही है, पर पहले हम सारी इमेजेस ही ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमने इमेजेस ऐड कर देनी है, जैसे जैसे वॉइस ओवर है वैसे वैसे इमेजेस ऐड कर देंगे हम, ओके हमने ये यहाँ पर ऐड कर देनी है और ये यहाँ पर, जैसे हम ये ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने, मुझे लगा वो सारी नहीं करनी चाहिए, मैंने थोड़ा सा मुझे लगता है ये वाला अच्छा लगेगा, ये बस एक ही ऐड करने से आई थिंक, तो इसे ऐड कर दिया है पर ये इतना सही नहीं लग रहा, तो सारे ये ऐड कर देते हैं ऐसी इमेजेस। तो उसके बाद ऐड करने के बाद हम देखेंगे एनिमेशंस ऐड करेंगे, सारी कॉम्बो एनिमेशन ऐड कर देनी है बिकॉज ये वीडियो में जान डाल देता है। ये देखें वीडियो ये इमेज लग ही नहीं रही है एनिमेशन की वजह से, ये देखें। उसके बाद ये ऐड कर देनी है, उसके बाद ये एडिट करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट एनिमेशन से आप देख सकते हैं और उससे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑटो कैप्शंस ऐड कर देने हैं, हमने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक किया और हमारे ऑटो कैप्शंस जनरेट हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पर इसे स्टाइल करना है, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, प्रेजेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ पर हम टेम्पलेट्स पर जाएंगे और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स पर जाकर ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं टैक्स वगैरह,
हम मुझे कोई रेड टाइप चाहिए जो इससे मैच कर सके। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये भी मैच कर रहे पर इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये बिल्कुल सिमिलर मैच कर रहा है और इसके ऊपर विजिबल भी है पिक्चर्स के ऊपर। ये बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे बिकॉज मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और ये वीडियो के साथ बिल्कुल मैच भी कर रहा है। उसके बाद हम इसे एडिट कर लेंगे टेक्स्ट को इसके ऊपर। ओके, हमने इसे एडिट कर लेना है। ये देखें अभी हम इसे एडिट करेंगे। ओके, ये देखें कितना सही लग रहा है। उसके बाद इस पर एनिमेशंस भी ऐड करेंगे। पहले हम इसे एडिट कर लेते हैं पूरा, हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर भी हमें एडजस्ट कर लेना है। ये देखें यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। जैसे एडजस्ट कर लें हम यहाँ पर कैप्शंस पर ऐड कर देंगे। पहले सारे को सिलेक्ट करके हम कैप्शंस पर आएंगे और यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर देंगे। ये साइड अप वाली एनिमेशन मैंने ऐड की है। उसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये एक्सपोर्ट होने के बाद दिखता है। Life, they say, is a journey filled with pain, despair, and the haunting echoes of our mistakes. In this shadowy abyss, we find the fragments of our. तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियोस देखने के लिए। They say is a journey filled with pain, despair, and the haunting echoes of our mistakes. In this shadowy abyss, we find the fragments of our existence, the shattered pieces of who we once were.